सोमवार को शहर में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से मनाया गया। इस बार दो दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जा रही है। रविवार रात गोपाल मंदिर व बांके बिहारी मंदिर में धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। वहीं यशोदा माता मंदिर और इस्कॉन मंदिर में सोमवार को जन्माष्टमी मनाई जाएगी। जन्माष्टमी की सबसे ज्यादा धूम पश्चिम क्षेत्र में रही। राजवाड़ा क्षेत्र में जन्माष्टमी का माहौल रात को साफ तौर पर नजर आ रहा था। वैसे इस वर्ष शहर में दो दिनों तक जन्माष्टमी मनाई जा रही है, लेकिन सबसे अधिक महत्व गोपाल मंदिर की जन्माष्टमी का होता है, जो रविवार रात मनाई गई। लोग बड़ी संख्या में गोपाल मंदिर पहुंचे। जैसे ही 12 बजे गोपाल मंदिर में कृष्ण जन्मोत्सव की शुरुआत आरती के साथ हुई। जन्माष्टमी वैसे तो हमारी क्या है, कल जन्माष्टमी का जो पर्व था बड़े धूमधाम से मना लिया गया। आज भी जो है जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भगवान का पुनः श्रृंगार हुआ और भगवान का श्रृंगार करके आज भगवान का भजन संकीर्तन होगा और पुनः रात्रि में जिस प्रकार से फिर पुनः भी मतलब आरती पूजन होगी। जन्माष्टमी गोपाल मंदिर में कल रात में मनाई गई है, बाकी आज सब लोग मना रहे हैं। गोपाल मंदिर में एक दिन पहले मनाई जाती है। सभी कृष्ण मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने माँ खनचोर के दर्शन कर जन्मोत्सव का जश्न मनाया। कृष्ण भगवान के जन्म के साथ ही लोग जमकर झूमे। वहीं कृष्ण जन्मोत्सव को लेकर भक्तों में भी काफी उत्साह देखा गया। यहां मंदिर की आकर्षक साज सज्जा व श्रृंगार के साथ कृष्ण भगवान को झूले में झुलाया गया। वहीं यशोदा मंदिर में कृष्ण के साथ माता यशोदा का विशेष श्रृंगार किया गया। दोनों को सुबह विशेष पोशाक पहनाई गई। 7,000 बल्ब से मंदिर परिसर को सजाया गया। इसी प्रकार आड़ा बाजार स्थित राधा कृष्ण मंदिर में बड़े धूमधाम से जन्मोत्सव मनाया गया। पिछले 10 दिनों से यहां जन्मोत्सव की तैयारी चल रही थी। इस्कॉन मंदिर निपानिया में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभिषेक और मध्य रात्रि को जन्म आरती संपन्न हुई।